हेलो, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और आप सभी का स्वागत है बोल स्काई में। ऐसे में क्योंकि हो चुकी है शुरुआत वैलेंटाइन वीक की, जो है 7 फेब से शुरुआत हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिग बॉस के भी काफ़ी सारे दीवाने बैठे हुए हैं जो कि बिग बॉस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो विनर की घोषणा करने वाले हैं। तो क्योंकि वैलेंटाइन वीक और बिग बॉस हाउस की काफ़ी दीवानगी दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक काफ़ी सर चढ़कर बोल रही है लोगों के बीच में, तो ऐसे में पूरा जो देश है इस वक्त जानना चाहता है कि कौन होगा बिग बॉस का विनर, तो वही वैलेंटाइन में लोगों के क्या है प्लान्स। तो ऐसे में हमने दोनों टॉपिक्स को कर दिया है मर्ज और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस हाउस में जो बेहद ही खूबसूरत लड़कियां अभी भी मौजूद हैं और जो पहले भी कंटेस्टेंट्स रह चुकी हैं, जो धीरे धीरे एलिमिनेट होते होते बाहर हो गई हैं, उन सभी से जुड़ा एक खास वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हर कंटेस्टेंट, मतलब हर फीमेल कंटेस्टेंट कैसी है गर्लफ्रेंड। जी हाँ, अगर मैं शुरुआत करूँ सबसे पहले तो अभी जो हमारी यंग जनरेशन की जो हार्ट थ्रोब बन चुकी हैं, जो बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं अपने गुड लुक से लेकर अपने नखरों से, वो हैं शहनाज़ गिल। शहनाज़ गिल को अगर मैं टैग दूं तो वो बेहद क्यूट हैं, बेहद क्यूट एक्टिविटीज़ करती हैं। कभी वो कौवे से बात करती हुई दिखती हैं, तो कभी वो सिद्धार्थ को छेड़ती हैं, कभी पारस के पीछे पड़ जाती हैं। तो शहनाज़ काफ़ी ज़्यादा क्यूट एक्टिविटीज़ के लिए पॉपुलर हो गई हैं, इसी वजह से सलमान भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा इधर उधर घूमें, अगर बिग बॉस के हाउस के थोड़ा और अंदर जाएँ एपिसोड्स को और अच्छे से देखें, तो वो काफ़ी अनोइंग गर्लफ्रेंड भी हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे पजेसिव हो जाती हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव बिहेवियर हो जाता है, हाथ पैर पटकने लगती हैं, कभी कभी अपना सर दीवार पर मारने लगती हैं। तो ऐसी जो हरकतें होती हैं ना, आमतौर पर वही गर्लफ्रेंड्स करती हैं जो काफ़ी अनोइंग होती हैं। तो अगर टैग की बात करें शहनाज़ गिल की, तो वो काफ़ी अनोइंग बट क्यूट है। दूसरी कंटेस्टेंट है माहिरा, जो काफ़ी गुड लुकिंग है, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दीवाने बनते जा रहे हैं बिग बॉस के हाउस में। वैसे तो उनके काफ़ी सारे एल्बम्स भी हिट हो चुके हैं और उनसे भी लोग उनको काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन क्योंकि माहिरा की पॉपुलैरिटी बिग बॉस हाउस से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में हम आपको बताते हैं कि माहिरा काफ़ी डेलिकेट गर्लफ्रेंड है। वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो मुझे यहाँ मत छुओ, मुझे वहाँ मत छुओ, मुझसे दूर रहो। आपको भी शायद ऐसी कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर मिली होगी जो काफ़ी ज़्यादा टच मी नॉट वाली होगी, कि मुझे इधर नहीं छूना, मुझे वहाँ नहीं छूना, प्लीज़ मेरी मम्मी देख लेगी। तो शी इज़ काइंड ऑफ अ मम्मीज़ गर्ल, टच मी नॉट गर्लफ्रेंड में से एक आती है वो। मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार की हुई है ताकि आप किसी भी गर्लफ्रेंड, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड होंगी, आप कैटेगराइज कर सकें कि बिग बॉस हाउस में किस तरह से अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती तो कैसे बिहेव करती। और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि इन कंटेस्टेंट्स में से आपकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर कैसा है। अब आती है आरती की बारी। आरती जो है वो गर्लफ्रेंड तो नहीं पर वाइफ मटेरियल है। वो सिद्धार्थ के कपड़ों का ध्यान रखती हैं, वो सिद्धार्थ के खाने का ध्यान रखती हैं, वो सिद्धार्थ से जुड़ी हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, और वहीं वो उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है जैसा कि वो दावा करती हैं। वो कहती हैं कि मेरा सिद्धार्थ एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो आरती उनमें से हैं जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, काफ़ी प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड में से एक है। तो अगर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड का टैग जाता है तो आरती को जाएगा, और वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड भी है जिनको आप अपनी मम्मी से भी मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं सीधे रश्मि की ओर। रश्मि कैसी गर्लफ्रेंड है? देखिए, रश्मि ना काफ़ी कंफ्यूज्ड गर्लफ्रेंड है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मैं इधर चलूँ या मैं उधर चलूँ, क्योंकि कभी वो अरमान की तरफ खिंची चली जाती है, कभी वो समझ नहीं पाती कि अरमान ही अरमान करती रहती है पूरे टाइम, तो कभी वो सिद्धार्थ गाती रहती है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि आखिर कौन बनेगा उनका बॉयफ्रेंड। तो ऐसे में हम रश्मि को टैग देते हैं कंफ्यूज्ड गर्लफ्रेंड का। आगे बढ़ते हैं और देवोलीना की तरफ जाते हैं। देवोलीना को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि जितनी सी दिखती हैं, मतलब वो छोटू सी दिखती हैं, क्यूट सी दिखती हैं, उसके बावजूद काफ़ी झगड़ों में इन्वॉल्व रहती हैं। तो अगर वो थोड़ी टॉमबॉयश सी भी हैं और साथ ही साथ वो फ्लर्ट करना भी नहीं छोड़ती हैं, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी करती हैं बेहद फ्लर्ट, तो देवोलीना को आप मान सकते हैं कि देवोलीना जैसी हैं वो, क्योंकि देवोलीना काफ़ी फ्लर्ट करती रहती हैं, काफ़ी चिली एटमोसफेयर भी देती हैं, तो वहीं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ भी बना देती हैं। तो देवोलीना को अगर हम टैग देंगे तो वो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है।
तो इस कैटेगरी में वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली गर्लफ्रेंड में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं शेफाली जरीवाला। ओफो, शेफाली जरीवाला की अगर बात करें तो भाई कांटा लगा नाम ऐसे गाना दिमाग में घूमने लगता है। और डेफिनेटली आप सारे लड़कों ने तो देखा ही होगा कम से कम हजारों बार ये गाना। तो शेफाली जरीवाला वैसे तो काफ़ी हॉट हैं, काफ़ी सिजलिंग ब्यूटी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं वो। लेकिन शेफाली की एक दिलचस्प जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो बिग बॉस हाउस में सामने आया कि वो काफ़ी कूल भी हैं। तो शेफाली जरीवाला को हम कूलेस्ट गर्लफ्रेंड का टैग दे सकते हैं। ये उन गर्लफ्रेंड्स में से हैं जिनको आप एज अ होता है ना ब्रो कोड जो होता है लड़कों का, तो शेफाली दैट काइंड ऑफ अ गर्ल कि वो काफ़ी चिल्ड आउट होती हैं, किसी चीज़ को ऐसे दिल पे नहीं लेती हैं, एकदम कूल रहती है, जब लड़ना होता है तो लड़ लेती हैं और खुद का स्टैंड खुद ले लेती हैं। वो ये नहीं कहती अपने बॉयफ्रेंड से कि चलो मेरे लिए लड़के दिखाओ। तो शेफाली इज़ द कूलेस्ट गर्लफ्रेंड यू कैन एवर हैव। आगे बढ़ते हैं और शेफाली बग्घा पर जाते हैं। ओ गॉड, शेफाली बग्घा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, तो उनकी वो जो पूरे टाइम चटर 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 उनका ऑन रहता है, तो शी इज़ अ वेरी चटर पटर गर्ल और वो पूरे टाइम चौपी रहती हैं, हर बार वो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम बात कर ही देती हैं। वो अपने मुद्दों को छोड़कर दूसरों पे भी टांग अड़ाती थी। तो ऐसे में शेफाली बग्घा को अगर हम टैग देंगे तो वो है नोजी गर्ल, क्योंकि वो घुस जाती हैं किसी के भी मैटर में। और ऐसे में जो बॉयफ्रेंड होगा वो डेफिनेटली काफ़ी परेशानी में पड़ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी घुस घुस के लड़ाई करती हैं। तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं सीधा हिमांशी खुराना की तरफ। वैसे तो हिमांशी खुराना के भी दीवानों की कमी नहीं है, क्योंकि बेहद खूबसूरत है हिमांशी और साथ ही बेहद टैलेंटेड भी। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो हिमांशी उस गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में आती हैं जो वैसे तो पूरे टाइम, अगर आप एज अ बॉयफ्रेंड अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगातार कोई ना कोई प्रेज करता रहे, तो हिमांशी खुराना टाइप की गर्लफ्रेंड आपके लिए बेहद अच्छी रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेज करती हैं, बहुत आराम आराम से लंबे चौड़े सेंटेंसेस में आपको प्रेज करती रहेंगी। लेकिन वो कब छोड़कर भाग जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो देख लीजिए। वो थोड़ी सी हिली डुली सी गर्लफ्रेंड है, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा तारीफ पसंद गर्लफ्रेंड है बहुत, तो ऐसे में हम उन्हें उस कैटेगरी में रखते हैं कि जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करे, तो शी इज़ लाइक अ मोटिवेशन। तो मोटिवेटिंग गर्लफ्रेंड के कैटेगरी में हम उनको रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं कोयना मित्रा की तरफ। आपको याद होगा कि नहीं, बट हाँ, बिग बॉस 13 की खास सदस्यों में से एक रही थी कोयना मित्रा। काफ़ी जल्दी आउट हो गई थी शो से, क्योंकि काफ़ी ब्लंट थी वो, काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन थी, और ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़्यादा टिकते नहीं हैं शो में, क्योंकि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको हर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर शेड में लाना पड़ता है, और यहाँ वाइट एंड ब्लैक का शेड नहीं चलता है, और कोयना मित्रा उस ब्लैक एंड वाइट के शेड में थी और काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन थी। तो कोयना मित्रा को अगर हम गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में रखते हैं तो वो है आउटस्पोकन गर्लफ्रेंड और ब्लंट गर्लफ्रेंड। आगे बढ़ते हैं और जाते हैं दलजीत कौर की तरफ। दलजीत कौर काफ़ी पसंद की करी हुई कैरेक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी हैं। तो दलजीत को अगर हम गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में रखें तो दलजीत हैं हमारी सबसे शालीन, सबसे क्यूट, सबसे प्यारी। तो उस कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं जो बहुत ही लहजे से, बहुत ही तमीज़ के साथ अपनी बातें आगे रखती हैं। तो हम उनको एक डिसेंट गर्लफ्रेंड का टैग दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इस तरह से लड़ाइयाँ ना हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड हो आपको मेंटल पीस दे, तो दलजीत आपके लिए, दलजीत काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड, नॉट एग्जैक्टली दलजीत, बट दलजीत की तरह गर्लफ्रेंड अगर आपको मिलती है तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। तो यही खत्म करते हैं हम अपना ये वीडियो, क्योंकि हमने बता दिया आपको लिस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स फ्रॉम बीबी हाउस। तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन पर ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपकी पसंदीदा गर्लफ्रेंड कौन बनने वाली है इस लिस्ट की गर्लफ्रेंड में। और अगर आपके पास है वो कोई गर्लफ्रेंड जिनको आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कौन है, तो शायद इस लिस्ट के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सी गर्लफ्रेंड आपकी इन बीबी कंटेस्टेंट्स में से मिलती जुलती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।